भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसीलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसे जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता, शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई थी। रात हो चली थी लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवाई मांगी। भोलानाथ खेलने में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो चुकी हैं, एक आप ही की दुकान खुली हुई है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से एक दवा की शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को वापस दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश भी थम गई थी। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूलने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि उसने वह दवाई अपनी बीमार माँ को दे दी होगी तो वह अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद की बात देखी जाएगी, अब क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलानाथ को कुछ नहीं सूझ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब जैसे मानो ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया था। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोलानाथ को वह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के उस कोने में रखी हुई धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद वह लड़का दुकान में भागता हुआ आया। भोलानाथ के जैसे पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पहुंचते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखों में पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी माँ को बचाने के लिए मैं जो दवाई की शीशी आपसे लेकर गया था, मैं भागता हुआ जा रहा था, घर के करीब भी पहुँच गया था, बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मेरा पैर फिसल गया, दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी, लड़के ने उदास होते हुए पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं है बाबूजी। भोलानाथ को उस पर दया आ गई। कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जाओ जल्दी करो, और हाँ अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से उछल पड़ा।
अब भोलानाथ की जान में जान आई और उसने भगवान की तस्वीर को देखते हुए उनका धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी छाती से पहुंचने लगा और सीने से लगा लिया। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त